हेलो एंड वेलकम बैक टू अंधताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सा नाश्ते की रेसिपी। जी हाँ, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और आप ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो तो उसमें भी पैक करके लेके जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम आटा बांध लेंगे। कुछ चाहिए है मकई का आटा जो हमने 1 कप लिया है। इसी में हम मिक्स करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ हमने लिया है आलू जो मैंने बॉईल करके एकदम कद्दूकस कर लिया है, तो ये भी मैंने 1 कप जितना लिया है। इसी में हम डालेंगे थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने मेथी, सूखी मेथी या कसूरी मेथी कहते हैं इसे, इसे अच्छे से इस तरह से क्रश करके डाल लिया। तो ये मैंने 1 टीस्पून जितना लिया है। इसी में हम डालेंगे थोड़ा धनिया, सो जस्ट अबाउट लिटिल। आप धनिया की जगह कोई भी हरी सब्जी जैसे पालक या मेथी कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसी में हम डालेंगे 1 टीस्पून तिल और ये है कलौंजी, सो नाइजेला सीड बोलते हैं इसे। सो ये हमने 1/2 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा अजवाइन, सो ये मैंने 1/4 चम्मच ली है। सिका हुआ जीरे का पाउडर, ये मैंने 1/4 चम्मच लिया है। थोड़ी सी मिर्ची, सो ये भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा चाहें तो आप ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काला नमक, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इस सबको मिक्स कर लें। जो आलू आप ग्रेट करें, मेक श्योर कि आलू एकदम स्मूद और सॉफ्ट हो। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तो यहाँ मैं आराम से 1 टेबलस्पून जितना तेल डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को अच्छा कड़क गूंद लेंगे। एकदम पूरी जैसा आटा होना चाहिए ताकि आपकी खस्ता पूरी जैसे बनी, और ज़्यादा खस्ता भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इस तरह से हम थोड़ा कड़क आटा गूंद लेंगे। तो ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब फिनिशिंग हम थोड़ा सा तेल से करेंगे। थोड़ा तेल एंड दिस इज़ रेडी। ये हमारा आटा एकदम परफेक्टली गूंद गया है। इफ़ यू सी, इस तरह से हमारा आटा, जैसे आप उंगली अगर इसमें डालें तो वापस ऊपर नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी नाइस एंड अंदर गड्ढा हो जाना चाहिए, यू सी दैट। सो अब हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं और 15 मिनट में हम बना लेंगे एक चटनी। तो यहाँ चटनी बनाने के लिए हमने लिया है सिक्की हुई मिर्ची, थोड़े से लहसुन ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिया है उसे भी हमने सेक लिया है, और धनिया। सो ये सबको हम पीस लेते हैं। तो हमने डाल लिया है टमाटर, मिर्ची और लहसुन, और अब हम थोड़ा सा धनिया डाल लें। इसी में हम डालेंगे काला नमक, सो नॉर्मल नमक की जगह हम यूज़ कर रहे हैं काला नमक, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा नींबू, बंद करके सिर्फ इसे थोड़ा क्रश करना है। और हमारा बढ़िया सा चटनी हो गया है रेडी। हम हमारे आटे के इस तरह से गोले बना लें, और यू कैन सी सारे एक तरह के गोले बन गए हैं। और हम इसे बेल लेते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके, और पूरी के साइज़ का। आप अगर ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। ये रहा, यू कैन सी इस तरह से आपका पूरी इतना थिक, और सारे इस तरह से आप बेल लीजिए। तो हमारी पूरियाँ बिल के रेडी है, अब हम इसे तल लेते हैं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमारी पूरी जाएगी तेल के अंदर।
क्या अच्छे से लाल हो गई। इस तरह से लाल जब हो जाए तो इसे खाने में और मज़ा आएगा, और हमारी चटनी के साथ। तो हमारी क्रिस्पी पूरी हो गई है रेडी, और हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। पूरियां तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मकई और आलू की बनाई हुई पूरी आप आपके किचन में ज़रूर से ट्राई करिएगा। थोड़ा सा अलग रहेगा और सबको बहुत पसंद आएगा, और ये चटनी भी इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम लवली रेसिपीज विद द ट्विस्ट।